तो ठीक है, सभी लोग पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। चलिए एक मिनट। काका, मैं चाहती हूँ कि सारे आदमी अपने कुर्ते उतार कर यहाँ रख दे। अब तो ये सिनेमा बेहतर होता जा रहा है, कहानी में नए नए मोड़ देखते हैं। चलो, कुर्ती उतारने से क्या फायदा होगा? हाँ काका, गुनहगार का पता लगाने के लिए, ये सब करने के लिए पुलिस ने कहा है। जब पुलिस ने कहा है तो सभी लोग अपने कुर्ते उतार के यहाँ रखेंगे। चलिए रखिए। दुर्गा, तुमने सबके कुर्ते उतरवा दिए, लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि घंटा किसने गिराया है? सरपंच काका, सारू के पास जो सबूत है वो किसी कुर्ते के फटे हुए कपड़े का टुकड़ा है जो उसे घंटे की रस्सी के पास मिला। अगर उस इंसान को पता चल जाता कि उसका कुर्ता फटा हुआ है तो बदल लेता और हम उसे कभी पकड़ नहीं पाते। सरपंच जी, पुलिस को बुला चुकी हूँ मैं, तब तक ये कुर्ते की पोटली को बांधना पड़ेगा और बैठक में रखवा देते, और हमें ध्यान रखना होगा वहां कोई ना जाए। पुलिस बस आती ही होगी। अब मैं अपना कुर्ता निकाल लेता हूं। मारो, मारो उसे, मारो, मारो। रुकिए। तुम जरूर मिस्टर अभिरूप के आदमी हो ना? सही कह रहे हो बिटिया, बस्ती की जमीन हथियाने के लिए दो मासूमों की जान लेने का घटिया काम अभिरूप बनर्जी जैसा आदमी ही कर सकता है, ताकि तुम लोग इसका मुकदमा नहीं लड़ सको। अब इससे पहले मिस्टर अभिरूप बनर्जी कोई भी गंदा खेल खेले, हम आज रात को ही पेपर्स रेडी कर लेंगे। अब कल तो कोर्ट बंद है, पर परसों जाके हम सारे पेपर्स जमा कर देंगे, जिससे बस्ती खाली करने के नोटिस पे हमें स्टे मिल पाए, और फिर हम मिस्टर अभिरूप बनर्जी को बताएंगे कि भले ही लड़ाई उन्होंने शुरू की है पर उसे खत्म हम करेंगे। अनिर्बन, क्या हुआ? बाबा गए, मुझे उनसे अभी की अभी बात करनी। ऐसी कौन सी बात है कि सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? मुझे उनसे बस इतना पूछना है कि वो राजावाड़ी बस्ती में रहने वाला शांति बाबा का आदमी है या नहीं। क्या बाबा ने उसे कहा था उन दोनों लॉयर्स को मारने के लिए? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बाबा वो जमीन के टुकड़े के लिए किसी की जान लेंगे? इतना नीचे गिरेंगे वो? अगर उन्हें कुछ गलत ही करना होता तो वो बस्ती को आग लगवा देते, कानूनी नोटिस नहीं भेजते। पर वो शांति होगा कोई गुंडा, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तुम्हारे बाबा को बदनाम करना चाहता होगा या फिर उन्हें खुश करके इनाम लेना चाहता होगा बस। अरे वो तो गैर है, उसका क्या बुरा मानना, जब अपने हम पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अपने बाबा से पूछ लो। नहीं चाची, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस बाबा से इतना कह दीजिएगा कि उनकी वो बस्ती वाली जमीन मैं उन्हें वापस दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है, ताकि उन्हें भी मुझ पे भरोसा, कम से कम इस बहाने वो अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे सकेंगे मुझे। रही बात उन बस्ती वालों की, अगर वो चाहते हैं कि खेला हो तो खेला ही होगा।
दिल ऑनरबान, दिल तो क्या, मैं तो उन्हें तुम्हें इस घर में भी जगह ना देने दूं। जब तक मैं यहां पर हूं तुम अपने बाबा का भरोसा तो कभी नहीं जीत पाओगे। ये बाप बेटे की दूरी मैं कभी कम नहीं होने दूंगी, समझे? तो ठीक है, सभी लोग पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन अब कचहरी में जो भी बढ़िया बहस करके सारे सबूत दिखाकर जो बस्ती को तोड़ने के नोटिस को रुकवा देगा, बस्ती का मुकदमा उसे ही लड़ने मिलेगा। हाँ, इन फाइल को माता के चरणों में आशीर्वाद के लिए रखना है। काली मां आशीर्वाद बनाए रखिए हम सब पर। जय मां काली, जय मां काली। सरपंच जी, आज इतना खुशी का दिन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बस्ती में जश्न होना चाहिए। जश्न? हाँ, बस्ती वालों ने आप दोनों को अपनाया है तो आप दोनों को भी तो बस्ती वालों के रंग में रंगना चाहिए। क्यों मालती पोती? जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप दोनों हमारी इन खुशियों में शामिल होंगे तो। ये लो छोटी सी भेंट आपके लिए। और ये आपके लिए। ये फाइल क्यों? दे दिया ना धोखा। तुमने इसको बोला था ना ये फाइल चुराने के लिए, ताकि ये मुकदमा लड़ने का मौका सिर्फ तुम्हें ही मिले। एक सेकंड, यहाँ कुछ गलतफहमी है। ये जो फाइल है ये दुर्गा की है। ये रही तुम्हारी फाइल। अब इतनी लापरवाही से फाइल रखी हुई थी वहां, मतलब कोई भी आयर उठा के ले जाए, वो तो अच्छा हो मुझे दिख गई। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया था कि चारू मुझे देख रही है और मैंने बात घुमा दी, वरना आज तो पकड़ा जाता। आई एम सॉरी दुर्गा। हाँ सर, पूछ लीजिए। सर बात कहूँ आपसे, ये चारू ना है ही मधुमक्खी जैसे, शहद जैसी मीठी बातें भी कर रही है और वक्त आने पे काट भी लेती है। नहीं, मुझे चारू की बात का कोई बुरा नहीं लगा, तो बस मेरे आत्मिक कचरा चला गया था। अच्छा, दिखाइए जरा। वैसे लाइन अच्छी है। हाँ नहीं, आप देखिएगा जो आने वाला वक्त होगा ना, उसमें सिनेमा में जब भी लड़कियां छुप छुप कर रोएंगी ना, तो यही लाइन यूज करेंगे कि मेरे आंख में कुछ चला गया था। ये हुई ना बात, पर आपसे एक शिकायत है, ये दोस्ती का प्रस्ताव सिर्फ चारों के लिए क्यों, मतलब हमने कोई कमी? ये इंडिया है जनाब,
यहाँ पे अनजान लड़का लड़की दोस्त नहीं बनते। आपकी बात भी सही है, पर क्या है ना कि जब सामने वाले की आंखों में सच्चाई और दिल में प्यार हो ना, तो अनजान भी दो पल में आपकी जान बन सकते हैं। मुझे चलना चाहिए। ओके। रिक्शा काका कहाँ रह गए? ये क्या फाइल? दोस्त माना ना आपने मुझे, तो दोस्त पर भरोसे नहीं है। अब देखिए ना, आप रात का वक्त, आप अकेले जा रही, हो सकता है ना कि शांति या उसके आदमी इस फाइल को छीनने के लिए आपका पीछा करें। हाँ, लेकिन ये ठीक है, ले लीजिए फाइल, कोई बात नहीं, लीजिए। अब दोस्ती करना और दोस्तों पे भरोसा करना दोनों ही अलग बात है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा है आप पर। पक्का? जी। तो बस आप चिंता मत करिए, आपकी इस फाइल को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। माफ कर दो, मुझे लगा एक बार में ही मामला निपट जाएगा, लेकिन उन दोनों ने मेरा पूरा खेल बेकार कर दिया। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन चाहिए। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। शांति, तुम्हारी माँ आसनसोल में रहती है ना, और तुम्हारी बहन की शादी अंपारा गांव में हुई थी ना। अरे ऐसे चौंको मत, किसी भी खेल में एक अच्छा कप्तान वही होता है जो विपक्षी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ साथ अपने खिलाड़ी के बारे में भी बहुत अच्छे से सब कुछ जाने। और ये मारा मेरे प्यादे ने रानी को। लतिका, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। साफ साफ कहूं तो बस्ती वालों के दो वकीलों में से एक है चारू, जो खुद एक खूनी है, जेल से परोल पे बाहर है। अब आप ही सोचिए, मतलब जो लड़की उन्हें इंसाफ दिलाने आई है वो तो खुद ही एक मुजरिम है। अब इसके आगे क्या करना है ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? ना, बहुलायक शक्ल नहीं है तुम्हारी, तुम मेकअप क्यों नहीं करती? हो सकता है ना शायद अच्छी लगने लगो। तुम चश्मा क्यों नहीं लगवाते, फिर साफ साफ देख पाओगे। आप तो ऐसे हैं जैसे रॉय चौधरी की बेटी। क्या है उस रॉय चौधरी में? इतना गुस्सा लाती कहां से हो? लड़ाई करने के अलावा कोई और हुनर है या नहीं? हाँ, और एक हुनर है, चलो आज वो भी दिखा देती हूँ। बेशक। अरे 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 अरे, इतनी जरूरी फाइल के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो चारू? मुझे नहीं लगता तुम संभाल के रख सकोगी इसे। नहीं, अगर तुम कहो तो मैं इसे संभाल के रख सकता हूँ तुम्हारी तरफ से। क्यों? क्योंकि वो शांति बदला लेने के लिए हमला करके ये कागजात तुमसे छीन सकता है, इसलिए तुम इसे ही दे दो। सरकारी बाबू भरोसेमंद आदमी है। भरोसा करो, मैं इस फाइल को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। कागजात दे दो बिटिया। ठीक है।
दुर्गा बस कर, कितना नाटक करेगी छोटे प्यार का। बिटिया तुम्हारी गलती की वजह से मालिक की ये हालत हो गई है। अब तुमने दोबारा वही गलती की जिससे मालिक की जान तो ईश्वर को प्यारी हो। भोली काकी, अरे भोली को गोली मार देना अगर झूठ बोल रही हूं तो। देखो ये देखो, वो सारी रसीदे हैं जिसके पैसे तुमने भिजवाए हैं वो खूनी लड़की को।